हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ओके सो लेट्स स्टार्ट इज़ आवर क्लास एंड इज़ आवर टॉपिक इज नीना एंड द बेबी स्पैरो नीना एंड द बेबी स्पैरो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया है हमने टेक्स्ट बुक में राइट एंड आई थिंक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी ये स्टोरी ना रिलेटेड वर्क बुक में सम क्वेश्चन आंसर है हम उन्हें रिवाइज करेंगे ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस तो क्या है इसका आंसर नीनास आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड एवरी वन इन द हाउस वॉज गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग मतलब नीना के हाउस में जो है उनकी आंट उनकी आंट जो है आंट मीन्स या तो उनकी मौसी हो सकती है या फिर उनकी बुआ हो सकती है ओके उसकी शादी हो रही थी इसलिए सभी लोग जो है शादी के लिए कहाँ जा रहे थे दिल्ली जा रहे थे देन क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज नीनाश मदर अपसे नीनास मदर अपसेना की मदर अपसेट क्यों थी दुखी क्यों थी तो नीनाज मदर वॉज अपसेट बिकॉज नीना डिड नॉट बाय एनी थिंग नीना की मदर अपसेट थी क्योंकि जो नीना है उसने कुछ भी नहीं खरीदा था एंड वो कैसी थी शेट थी

बेबी स्पेरो अलोन एट होम नीना जो है बेबी स्पेरो होम में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी देन क्वेश्चन नंबर फोर वेयर वॉज द स्पेरोस्ट वेयर वॉज द स्पेरोस्ट स्पेरो ने कहा था द स्पेरो ने बुक इन द रूम स्पेरो ने बुक शे इ रूम मतलब जो है स्पैरो का नेस्ट रूम में बुक शेफ पर था ओके क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ मेनी बेबी स्पेरोज वर देअर इन द नेस्ट टू बेबी स्पेरोज वर देयर इन द ने क्या है आंसर इसका टू बेबी नेस्ट नेस्ट में जो है टू बेबी देन क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट डिड नीना टेल हर मदर अबाउट द बेबी स्पैरो व्हाट डिड नीना टेल हर मदर अबाउट द बेबी स्पैरो नीना ने बेबी स्पैरो के बारे में अपने मॉम से क्या कहा? नीना टेल हर मदर अबाउट द बेबी होल प्लेस विल बी लॉक्ड। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। एंड हाउ विल पापा एंड देयर स्पैरो मतलब जो नेहा है अपनी मम्मा से कहती है कि यदि हम सब चले जाएंगे और हम पूरे प्लेस को लॉक करके जाएंगे तो फिर जो मामा एंड पापा स्पैरोज है वो अपने बेबी स्पैरोज को फीडिंग कैसे कराएंगे हाउ पापा एंड मामा स्पैरो है ना देन क्वेश्चन नंबर सेवन वाई वॉज नीना वर इड वाई वॉज नीना वर इट वर परेशान नीना परेशान क्यों थी Answer is Nina was worried for baby sparrow. She thought if they go out, how the parents of the babies will feed their children. नीना परेशान थी कि नीना जो है बेबी स्पैरोज़ के लिए वरिड थी सी थॉट मतलब वो सोचती थी कि इफ़ दे गो आउट यदि वे बाहर चले जाएंगे हाउ द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन तो फिर जो बेबी चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स है वो उन्हें फीडिंग कैसे कराएंगे इसलिए जो नीना है वो वरिड थी ओके Then, 8 number. What did mother suggest? What did mother suggest? Mother Mother said that they will let the window open for the papa and mama sparrow and lock rest, rest of the house. जो मदर है उन्होंने कहा कि हम विंडो ओपन रखेंगे जिससे कि जो ममा एंड पापा स्पैरोज है वो अपने बेबी को फीडिंग करवा सकेंगे मीन्स हम जो बेबी पापा एंड ममा स्पेरोज के लिए विंडो ओपन रखेंगे और जो पूरा हाउस है उसे लॉक कर देंगे देन क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट डिड नीना फाइंड वेन ही वेन सी कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग जब नीना शादी से वापस आई वेडिंग से रिटर्न आई तो उसने क्या देखा नीना फाउन टू प्लम्प लिटल स्पैरोज फ्लाई ऑल ओवर द रूम नीना ने पाया कि टू प्लम्प लिटल स्पैरोज प्लम्प मीन्स गोल मटोल लिटल लिटल स्पैरोज पूरे रूम में क्या कर रही है फ्लाई कर रही है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स फर्स्ट इज एवरी वन वॉज हैपी बिकॉज सभी लोग बहुत हैप्पी थे बिकॉज ऑप्शन ए देवर गोइंग टू मार्केट वे सभी मार्केट जा रहे थे ऑप्शन बी दे वर बाइंग न्यू क्लॉथ्स वे सभी न्यू क्लॉथ्स खरीदने जा रहे थे ऑप्शन सी दे वर बेबी इन द हाउस हाउस वे सभी बेबी में थे। या ऑप्शन डी दे वर गोइंग टू दिल्ली फॉर वेडिंग वे सभी लोग जो है शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी देन क्वेश्चन टू मदर वॉज अपसेट बिकॉज मदर अपसे क्योंकि इसका भी आंसर में किया था नीना डिड नॉट बाय एनी थिंग नीना ने कुछ नहीं खरीदा था बिकॉज नीना डिड नॉट बाय एनी थिंग देन क्वेश्चन नंबर थर्ड हु वॉज नॉट हैप्पी हु नॉट हैप्पी नीना मदर फादर या ब्रदर हु वॉज नॉट हैप्पी नीना नॉट हैप्पी नीना खुश नहीं थी देन फोर्थ नंबर वॉट वॉज देयर ऑन द बुक शेफ इन नीना रूम नीना के रूम में जो बुक शेफ थी वहां पर क्या थी क्या था ऑप्शन ए अ पैरट पैरट थे ऑप्शन बी अ कुकूज नेस्ट कुकू बर्ड का नेस्ट था ऑप्शन सी पिजन थे या फिर स्पैरोस नेस्ट स्पैरोस का नेस्ट था करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओके स्पैरोस नेस्ट फिफ्थ नंबर नीना वाज वरर्ड अबाउट नीना किसके लिए वरर्ड थी ऑप्शन ए पापा स्पैरो के लिए ऑप्शन बी

वहां कितनी बेबी स्पेरो थी ऑप्शन ए वन थी ऑप्शन बी टू थी ऑप्शन सी थ्री थी या ऑप्शन डी फोर थी तो करेक्ट आंसर होगा टू ऑप्शन नंबर बी ओके देन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ वेयर वॉज द नेस्ट नेस्ट कहा था ऑन द फैन फैन पर था ऑन द विंडो विंडो पर था ऑन द बुक शेफ बुक पर था ऑन द कबर्ड कबर्ड पर था करेक्ट आंसर ऑन द ऑप्शन नंबर सी देन देर द बेबी स्पेरोज क्राइट फॉर फूड द ओल्ड बिकॉज जो बेबी स्पेरोज है वो पूरे दिन फूड के लिए Cry करेंगे, because they were hungry, वे they were growing up, वे भूखे होंगे, होंगे, बड़े हो रहे पापा स्पैरो बाहर गए थे इसलिए या फिर मामा स्पेरोज वॉज आउट मामा स्पेरोज बाहर गए थे इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवर ग्रोइंग अप मतलब वो क्या हो रहे थे बड़े हो रहे थे द नंबर, व्हाट वाज नीना वरिड अबाउट व्हाट वाज नीना अबाउट, नीना जो है किस लिए परेशान थी या किस बात के बारे में परेशान थी ऑप्शन ए द क्राइंग ऑफ बेबीस पेरोस, बेबीस पेरोस के क्राइ cry, क्राइंग के लिए ऑप्शन बी द नेस्ट नेस्ट के लिए ऑप्शन सी हाउ पपा एंड ममा स्पेरोज ओड लुक आफ्टर द बेबीज या ऑप्शन डी हाउ पपा एंड मामा स्पेरोज वुड फीड द बेबीज तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर वरिड थी कि जो हाउ पपा एंड मामा स्पेरोज वुड फीड द बेबीज की जो पापा एंड मामा स्पेरोज है वो अपने बेबी को फीडिंग कैसे कराएंगे देन क्वेश्चन नंबर टेन मदर सजेस्टेड मदर सजेस्टेड मदर ने क्या सजेस्ट किया ऑप्शन ए टू लीव द हाउस ओपन हाउस ओपन रखने के लिए सजेस्ट किया या ऑप्शन बी टू लीव द विंडो ओपन विंडो ओपन करने के लिए ओपन रखने के लिए या ऑप्शन सी टू लीव द डोर डोर ओपन रखने के लिए या टू मूव द नेस्ट नेस्ट ले जाने के लिए तो करेक्ट आंसर है टू लिव दंडो ओपन रखने के लिए सजेस्ट किया था मदर ऑप्शन नंबर बी राइट देन इलेवेंथ नंबर व्हेन नीना कैम बैक जब नीना वापस आई कैट टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज वर फ्लाइंग अराउंड ओके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका देन है फील इन द ब्लैंक यहां पर ऑप्शन दिए हैं टू नीना नेस्ट एंड विंडो इनकी हेल्प से हमें ब्लैंक को फिल करना था ब्लैंक डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द वेडिंग कौन नहीं जाना चाहती थी शादी में नीना देर वॉज अ ब्लैंक ऑन द बुक शेफ क्या था बुक शेफ पर स्पैरोज ने स्पैरो का नेस्ट था देर वर ब्लैंक बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट हाउ मैनी स्पैरोज इन द दाउ मैनी बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट कितने स्पैरोज थी बेबी नेस्ट में टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट देन मदर सजेस्टेड टू लीव द ब्लैंक ओपन मदर सजेस्टेड टू विंडो ओपन देन फिफ्थ नंबर वेन बैक टू प्लम्प लिटल स्पैरोज वर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम ओके देन है ट्रू और फॉल्स फर्स्ट एवरी वन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना नीना को छोड़कर सभी खुश थे तो ये हो जाएगा ट्रू देन सेकेंड नीनाज मदर वॉज अपसेट बिकॉज सी डिड नॉट बाय एनी थिंग तो इट्स ट्रू नीना की मदर अपसेट थी क्योंकि वह नीथिंग क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खरीदा था देन देअ वॉज अ स्पैरो ने रूम नीना के रूम में स्पैरो का नेस्ट था तो यस देर वॉज वन बेबी स्पेरो इन द नेस्ट नेस्ट में वन बेबी स्पेरो थी फॉल्स बिकॉज देर आर टू बेबी स्पेरो इन द ने

मदर रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम नीना ने क्या किया कि और बाहर से नीना के रूम को लॉक कर दिया राइट ना एंड लास्ट वेन नीना कैम बैक सी डिड नॉट सी बेबी स्पेरोज इन द रूम जब नीना वापस आई तो उसने रूम में बेबी स्पैरोस को नहीं देखा इट्स फॉल्स बिकॉज़ व्हेन निना कम बैक फ्रॉम वेडिंग सी उसने देखा कि जो है टू प्लंप लिटिल स्पैरोस जो है फ्लाइंग फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम टू प्लंप लिटिल स्पैरोस फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम Then he write two words beginning with the same sound. Same sound word: thing, thing, thin. Grow, grand, grand. Change, chalk, chair. Whose, hub, hut. Food, food, full, food, foot.

ब्लैंक पेंसिल शॉर्ट पेंसिल ओके देन आफ्टर फिल इन द द करेक्ट वर्ड्स यहाँ पर हेल्प से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है फर्स्ट इज अगो इज एलो ग्रैंड फादर इज एन ब्लैंक मैन क्या आएगा इसमें ओल्ड मैन आई हैव ब्लैंक पेंसिल तो इसमें राइट कर देंगे हम न्यू पेंसिल माई रूम इज क्लीन फोर नंबर में राइट कर देंगे क्लीन देन आफ्टर आइसक्रीम इज कोल्ड मोहन इज अ फैट बॉय अ माउस इज अ स्मॉल एनिमल एंड द सन इज राउंड ओके देन है नंबर द जम्बर्ड सेंटेंसेस ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर यह स्टोरी थी इसे ये जम्बल्ड वर्ड में दी है इसे हमने क्या किया है सिक्वेंस में राइट किया है तो फर्स्ट होगा वन डे एन एंड इन टू अ रिवर देन सेकेंड अ डो सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री शाद एंड ड्रॉइंग Drowning, then third, he took pity on the ant and threw down down a leaf. Fourth number, the ant climbed on the leaf and reached the bank safely. Then fifth number, after some days, the ant saw a hunter aiming an arrow at the dove. The ant wanted to save the dove's life. शो ही बिट द हंटर मिस्ट एम एंडलीके तो ये एंट जो बर्ड है उसकी स्टोरी है ये जम बर्ड में दी थी हमने इसे सिक्वेंस में राइट कर लिया है इसको पहले भी मैं एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ आपको अब इसे ही हमें क्या करना है प्रॉपर ऑर्डर में इस स्टोरी को यहाँ पर राइट करना है ओके okay? तो ये तो हमने कर लिया है ओके डे स्टूडेंट्स दैट इज ऑल टुडे एंड टुडे इज होमवर्क रीड द चैप्टर केयरफुली एंड मेमोराइज देम आपको इस चैप्टर को केयरफुली रीड करना है प्लस इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है उन्हें मेमोराइज करना है मीन्स उन्हें याद करना है ओके दैट इज ऑल टुडे Thank you.